हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धांत एंड यू गाइस आर वाचिंग निंजा ब्लेड यूट्यूब चैनल। सो गाइस यार, आज हम लोग बात करने वाले हैं पैच नोट 2.4A के बारे में, जो कि अभी तक आया नहीं है। बट हुआ यूँ था कि रायट केप्स ने गलती से जो है पैच नोट जो है पहले ही मतलब पैच अपडेट ला दिया है, और अभी इन गेम जो है हाल में मतलब हाल फिलहाल में जो है अपडेट सारे आ चुके हैं। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी न्यू चैम्प्स बफ नर्फ सब हो चुके हैं, और कुछ आइटम भी जो है मतलब वो हुए हैं, एडजस्टमेंट हुए हैं। तो सब चीज़ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना गाइस। एंड इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर न्यू हुए तो हमारे चैनल जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना फॉर लेटेस्ट अपडेट। एंड गाइस, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है वाइल्ड रिफ्ट के टूर्नामेंट या फिर BGMI का टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो हमारा लेवल अप गेमिंग का डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर से ज्वाइन करना। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग चैंपियंस की, जो कि कौन कौन से चैंप्स बफ हुए हैं और कौन कौन से चैंप नर्फ हुए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ नर्फ चैंप। तो हमारा जो नर्फ वाले चैंप्स में है, जो हमारा पहला चैंप नर्फ हुआ है वो है एनी। एंड अभी एनी का जो है भाई, एनी को लिटरली पता नहीं क्यों नर्फ किया है, बट एनी को नर्फ किया गया है। एंड दूसरा हमारा जो चैंप है नर्फ हुआ है वो है फिज, और फिज को तो बेसिकली नर्फ चाहिए था गाइस, तो यहाँ पे फिज को नर्फ कर दिया गया है। उसके बाद हमारा जो थर्ड चैंप नर्फ हुआ है वो है कॉर्की, और कॉर्की अभी वन ऑफ द मोस्ट ब्रोकन चैम्प था, इसीलिए कॉर्की और यहाँ पे लूसियन दोनों को नर्फ मिला है, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट चैम्प जो है नर्फ हुआ है वो है ग्रेव्स, और ग्रेव्स आई थिंक अभी भी बहुत ज़्यादा ब्रोकन है, क्योंकि आज मैं स्ट्रीम में खेल रहा था और भाई स्टिल बहुत ज़्यादा डैमेज दे रहा था ग्रेव्स। और उसके बाद हमारा जो लास्ट चैम्प जो है नर्फ हुई है वो है कमील। सो भाई, कमील तो कुछ खास मेरे को नहीं लग रही थी, बट हाँ कॉम्पिटेटिव सिनारियों में बहुत सही कमील परफॉर्म कर रही होगी, और यहाँ पर कमील को भी फाइनली नर्फ मिला है। सो गाइस, यहाँ पे जो है 6 चैंप्स नर्फ हुए हैं, एंड अभी इनका क्या क्या नर्फ हुआ है अभी मेरे को नहीं पता है, बट मैं देखता हूँ क्या करना है, मतलब क्योंकि अभी मेरे को पूरी तरह से, मैंने जैसे कि बोला था कि मेरे को पूरी तरह से नहीं पता है, सिर्फ बफ और नर्फ वाले चैंप पता है। एंड यहाँ पे बफ वाले चैंप्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बफ वाले चैंप में पहले नंबर पे है सोराका, जो कि बहुत ही वीक सपोर्ट है एंड वन ऑफ दी वर्स्ट सपोर्ट भाई लोग बोलते हैं, क्योंकि सोराका बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो जब भी हील करती है खुद का भी हेल्थ उसका चला जाता है, एंड पीपल उसको जल्दी कोई भी मार के चला जाता है, कोई भी चैंप, ठीक है। और जब भी लाइक तुम सोराका पिक करोगे तो भाई तुम्हें लोग ट्रोलर वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो सोराका को यहाँ पे बफ सही मिल रहा है। दूसरा चैंप जो बफ हुआ है वो है ब्लिट्जक्रैंक। तो यहाँ पे ब्लिट्जक्रैंक का भी बफ मेरे को नहीं लगता, मेरे को करना चाहिए था लाइक ब्लिट्जक्रैंक को बफ, क्योंकि ब्लिट्जक्रैंक आई थिंक ओके था, बट ठीक है भाई बफ मिला है तो लेट्स सी क्या होता है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट बफ मिला है चैम्प को वो है डॉक्टर मुंडो, एंड फाइनली मुंडो आई थिंक फिर से मेटा होगा क्या नहीं देखते हैं, क्योंकि मुंडो तो भाई कितना ही गजब चैम्प है, हीलिंग उसका अल्टीमेट बहुत ही ज़्यादा ओपी है। और यहाँ पे हमारा जो फोर्थ चैम्प है मास्टरी, जो कि आज मैं खेल रहा था बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेरे को लगा मास्टरी, एंड भाई लिटरली मेल्ट कर रहा था। बस उसका यही है कि सीसी के अगेंस्ट वो अच्छे से नहीं खेल पाएगा, एंड सीसी के अगेंस्ट खेलने आपको आना चाहिए, लाइक लास्ट में जाना पड़ेगा, आपको टीम को पहले इंगेज करने देना चाहिए, ठीक है। और मास्टरी बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। और यहाँ पे जो हमारा लास्ट चैंप बफ हुआ है वो है जैक्स, और भाई जैक्स की क्या ही बात करें भाई, जैक्स तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से बोलेंगे तो भाई बहुत ही सही चैंप है, बहुत ज़्यादा ब्रोकन है। और जैक्स भी मैं खेला था आज स्ट्रीम में, और जैक्स भी अलग ही लेवल पे भाई ओपी हो रखा है। और जैक्स का भाई यही है कि जल्दी से फार्म कर लो और भाई उसके पास बस ख़त्म है गेम पूरा, एकदम सही वाला भाई चैंप हो रखा है, ठीक है। और इतने ही चैंप्स थे जो कि बफ वाले चैंप्स में थे, 5 चैंप्स थे, ठीक है। तो अभी बात कर लेते कुछ एडजस्ट आइटम्स के, एंड कुछ आइटम्स हैं हमारे जो कि एडजस्ट हुए हैं, और मेरे को पता नहीं मतलब क्या क्या उसमें एडजस्टमेंट किया गया है, लेकिन मेरे को सोलारिस चार्ज ब्लेड जो एडजस्टमेंट हुआ है इसका आई थिंक प्राइस बढ़ाया गया है, मेरे को ऐसा फील आ रहा था। और यहाँ पे जो पहला आइटम जो बफ हुआ है वो है एसेंस रिवर, और एसेंस रिवर भाई बहुत ही ब्रोकन आइटम था, लूसियन और कॉर्की पे भाई फर्स्ट आइटम यही बनता था और बहुत ही ज़्यादा सही आइटम था, इसके पास डैमेज इनसेन डैमेज आता था, और इसका भाई कुछ आई थिंक प्राइसिंग वाइसिंग बढ़ाया गया होगा और डैमेज कम किया गया है, तो ऐसे ही किया होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो सेकेंड आइटम आता है वो है ब्लड थ्रस्टर, और ब्लड थ्रस्टर भी काफ़ी सही था ग्रेव्स पे, देख लो लूसियन पे भी लोग बनाते थे, और ये वाला आइटम भी बहुत ही ज़्यादा सही था, तो भाई इसको भी नर्फ कर दिया गया है।
और यहाँ पे जो उसके बाद आता है हमारा थर्ड जो है आइटम वो है रैबडंस डेथ कैप। सर रैबडंस डेथ कैप भी ब्रोकन आइटम था भाई, जिसको नर्फ कर दिया गया है यहाँ पे, नर्फ नहीं सॉरी एडजस्टमेंट किया गया है, मतलब कुछ प्राइसिंग वाइसिंग का किया होगा या फिर कुछ मतलब एपी कम करके और कुछ ऐसे ऐसे किया होगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो एक और आइटम आ जाता है वो है सोलारिस चार्ज ब्लेड। और सोलारिस चार्ज ब्लेड का जैसे कि मैंने बोला, मुझे लगता है कि भाई उसका वो बढ़ाया है, मतलब प्राइसिंग मेरे को लग रहा था, ठीक है। और मेरे को मतलब मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट क्योंकि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सोलारिस चार्ज ब्लेड जो है, आई थिंक इसका एक्चुअली में बढ़ा है भाई, जो कि कोस्ट है। गाइस यहाँ पे जो हमारा लास्ट आइटम एडजस्ट हुआ है वो है नीट लेसली लार्ज रॉड। और ये वाला आइटम मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बेसिकली ये जो है रैबडॉन्स बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है ये वाला आइटम, और कहाँ ये वाला। सो इसका भी कुछ इसमें एडजस्टमेंट किया गया है, और भाई इसका भी देखना पड़ेगा क्या है, और अभी तक कई मतलब क्या क्या बफ, मतलब बफ में कौन से एबिलिटी को बफ किया गया है, क्या डैमेज ऐड किया गया है, ये सब के बारे में अभी इंफॉर्मेशन किसी के पास आपको नहीं मिलेगा। एंड किसी के से बस मे भी हो सकता है कहीं से मिल गया हो, बट मेरे को नहीं मिला, मैंने सर्च किया नेट पे भी। एंड आप लोग को थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट इतना ही मुझे पता था बफ और नर्फ चैम्स और एडजस्टमेंट वाले। और यहाँ पे आप लोग यूट्यूब पे अगर सर्च करना है देख लेना, बट मैंने किया, मेरे को नहीं मिला भाई। और तो गाइस इस वीडियो को यहीं पे रैप कर लेते हैं, और क्या यार इस वीडियो को बंद करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू होंगे तो यार सब्सक्राइब वगैरह कर लेना। एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय।